अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात का जुग्राफिया मजमून पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इससे पहले हमने सबक नंबर एक और सबक नंबर दो को अच्छी तरह पढ़ा है और साथ ही साथ बलदी खुतूत यानी अर्जुल बलद और तुलुल बलद के बारे में गहराई से मालूमात हासिल की है। बच्चों, आज हम पहले सबक की मश्क करने जा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पेज नंबर 8 पर देखिए, मश्क का पहला सवाल है, सही मुतबादिल के सामने दिए हुए चौकोन में सही निशान लगाइए। बच्चों, यहाँ सवाल दिए हुए हैं। पहला है, कुर्रे जमीन पर मशरकी व मगरबी सिमत में खींचे गए उफकी फर्ज खतूत क्या कहलाते हैं। बच्चों, पहले हम यहाँ देखेंगे ग्लोब पर। ये देखो बच्चों, ऊपर शुमाल की सिमत है, नीचे जुनूब है, यहाँ मशरक और यहाँ मगरब। बच्चों, उफकी का मतलब होता है आड़े आड़े ऐसे। बच्चों, ये जो आड़े खतूत आपको नजर आ रहे हैं, इन्हें उफकी खतूत कहते हैं, और जो खड़े होते हैं उन्हें उमूदी खतूत कहते हैं। तो उफकी खतूत को क्या कहते हैं बच्चों? अर्जुल बलद, हमने पढ़ा है ना पिछले लेक्चर में। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, तुलुल बलद कैसे होते हैं? बच्चों, ये देखो, शुमाल और जुनूब, शुमाल से लेके जुनूब तक जो ऐसे खींचे जाते हैं खतूत, उमूदी खतूत, उन्हें तुलुल बलद कहते हैं। तो बच्चों, ग्लोब पर आपको दिखाई दे रहा है ये निस्फ दायरवी शक्ल में है, यानी आधे दायरे की शक्ल में है। तो तुलुल बलद कैसे होते हैं? निस्फ दायरवी। सवाल नंबर 3, अर्जुल बलद और तुलुल बलद के मिलने पर ग्लोब पर क्या तैयार होता है? बच्चों, यहाँ देखिए, ये अर्जुल बलद है और ये तुलुल बलद है, दोनों के मिलने पर ग्लोब पर क्या तैयार हो रहा है? एक जाल सा तैयार हो रहा है। तो इन्हें क्या कहते हैं? बलदी खतूत का जाल। तो हमारा जवाब क्या हो गया? अर्जुल बलद और तुलुल बलद के मिलने पर ग्लोब पर क्या तैयार होता है? बलदी खतूत का जाल। सवाल नंबर 4 है, शुमाली निस्पुर्रे में कुल कितने अर्जुल बलद है? बच्चों, ये शुमाल है, ये जुनूब है, ये हमें हम इन निस्प कुर्रों में बांटते हैं, हम ग्लोब को निस्प कुर्रों में बांटते हैं, शुमाली निस्प कुर्रा और ये हो गया जुनूबी निस्प कुर्रा। तो बच्चों, ये हमारा खते स्तवा है जो ग्लोब को दो निस्प कुर्रों में बांटता है, शुमाली और जुनूबी निस्प कुर्रा। तो बच्चों, शुमाली निस्प कुर्रे में कुल 90 अर्जुल बलद होते हैं और जुनूबी निस्कुर्रे में भी कुल 90 अर्जुल बलद होते हैं और एक सिफर दर्जे का बुनियादी अर्जुल बलद होता है। तो इस तरह पूरे ग्लोब पर कुल 181 अर्जुल बलद होते हैं, लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है सिर्फ शुमाली निस्कुर्रे में कितने अर्जुल बलद होते हैं। तो कितने बच्चों? 90। अब आते हैं 5वें पर, मशरकी निस्फ कुर्रा और मगरबी निस्फ कुर्रा किस खत से बनता है? देखो बच्चों, ये हमने देखा, ये शुमाली निस्फ कुर्रा हो गया और ये जुनूबी निस्फ कुर्रा हो गया। इसी तरह यहाँ पर हमारा मशरिक और यहाँ मगरिब। तो बच्चों, अब हम ऐसी इसकी तकसीम ऐसी करेंगे ग्लोब की, तो ये हो गया हमारा मशरिकी निस्फ कुर्रा और ये हो गया हमारा मगरिबी निस्फ कुर्रा। तो क्या पूछ रहा है? मशरिकी निस्फ कुर्रा और मगरिबी निस्फ कुर्रा किस खत से बनता है? तो बच्चों, ये जो खत मशरिकी और मगरबी निस्फ कुर्रा बना रहा है, जो इनको दो हिस्सों में तकसीम कर रहा है, ये 0 डिग्री बुनियादी तुलुल बलद और 180 दर्जे तुलुल बलद। ये देखो बच्चों, ये जो बीच से खत गुजर रहा है, जो उमूदी खत बीच से गुजर रहा है, उसे 0 दर्जे तुलुल बलद कहते हैं। तो बच्चों, यही खत है ना जो जमीन को दो हिस्सों में बांट रहा है, मशरिकी निस्फ कुर्रा और मगरबी निस्फ कुर्रा। इसी तरह अगर हम जुनूबी और शुमाली निस्फ कुर्रे की बात करें, तो उन्हें कौन सा खत तकसीम करेगा? 0 दर्जे बुनियादी अर्जुल बलद। लेकिन हमसे मशरिकी और मगरबी निस्फ कुर्रे की बात कर रहा है, तो 0 डिग्री तुलुल बलद। तो बच्चों, इसका जवाब दूसरा, ये। बच्चों, ग्लोब पर नुक्ते की शक्ल के कौन से खतूत होते हैं? बच्चों, यहाँ देखो, ये जो हमें अर्जुल बलद दिखाई दे रहे हैं, ये कुतुब पर, जमीन गोल है हमारी, बच्चों आप जानते हैं हमारी जमीन गोल है, तो इसके दो कुतुब होते हैं, शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब। तो बच्चों, कुतबैन पर जाने के बाद ये जो अर्जुल बलद है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल एकदम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दिखने में नुक्ते की शक्ल में दिखाई देते हैं। इसलिए ग्लोब पर नुक्ते की शक्ल के कौन से खतूत कौन से हैं? शुमाली और जुनूबी कुतुब। जो आखिरी, ग्लोब पर 45 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद कितने मकामात की कीमत यानी के दर्जा हो सकता है? बच्चों, हमने
कीमत या दर्जा किसे कहते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में समझा है अच्छी तरह। तो बच्चों यहाँ देखो ग्लोब, ये हमारा ग्लोब है, ये शुमाल की जानिब, शुमाली अर्जुल बलद पूछ रहा है वो 45 दर्जे। तो बच्चों ये हमारा जीरो दर्जा यानी कि सिफर दर्जा बुनियादी अर्जुल बलद है। अब हमें शुमाली निस्कुर्रे में जाना है, तो यहाँ से कुछ फासले पर 45 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद होगा। तो बच्चों अब हम जानते हैं 45 दर्जे पर जमीन पर बहुत सारे मुकाम होंगे, कोई एक मुकाम तो नहीं होगा या कोई दो मुकाम तो नहीं होगा, तो बहुत सारे मुकाम होंगे। इसलिए ग्लोब पर 45 डिग्री शुमाली अर्जुल बलद कितने मुकामात की कीमत यानी कि दर्जा हो सकता है, तो इसका जवाब क्या आएगा, कई, बहुत सारे। ठीक है बच्चों, हमने मश्क का पहला सवाल कर लिया है, अब हम दूसरे पर बढ़ते हैं। ग्लोब का मुशाहिदा कीजिए और दर्ज ज़ेल जुमलों पर गौर करके गलत जुमले दुरुस्त कीजिए। तो बच्चों पहला है, बुनियादी तूलुल बलद अर्जुल बलद के मुतवाजी होता है। बच्चों हमने रियाजी में भी पढ़ चुका है कि मुतवाजी खतूत किसे कहते हैं, जो खतूत आपस में कता नहीं करते एक दूसरे को, उन्हें मुतवाजी खतूत कहते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ ग्लोब पर तूलुल बलद और अर्जुल बलद ये दोनों एक दूसरे को उमूद पर वाके होते हैं, ये दोनों एक दूसरे को तो कता करते हैं बीच से, तो ये मुतवाजी कैसे हुए, तो ये जुमला हमारा गलत हो गया। इसका सही जुमला क्या बनेगा, बुनियादी तूलुल बलद और अर्जुल बलद एक दूसरे के गैर मुतवाजी होते हैं। बच्चे दूसरा है, तमाम अर्जुल बलद खते इस्तवा पर मुजतमा होते हैं। बच्चों हमने अभी अभी देखा तमाम अर्जुल बलद कहाँ मुजतमा होते हैं, शुमाली और जुनूबी कुतुब पर यानी के कुतबैन पर, खत इस्तवा तो बीच से गुजरता है। तो बच्चों ये हमारा ये भी जुमला गलत हो गया, तमाम अर्जुल बलद खत इस्तवा पर मुजतमा नहीं होते, तो इसका सही जुमला क्या बनेगा, तमाम अर्जुल बलद खत इस्तवा की जगह हमारा आएगा कुतबैन पर मुजतमा होते हैं। बच्चों तीसरा है, अर्जुल बलद और तूलुल बलद फर्ज खतूत है, ये बच्चों सही है क्योंकि अर्जुल बलद और तूलुल बलद पहले से हमारी जमीन पर खींचे नहीं गए हैं, ये एक फर्जी है, ये इमेजिनरी है, ये हमने इंसानों ने बनाए हैं और वो भी सिर्फ नक्शे और ग्लोब पर बनाए जा सकते हैं, असली में जमीन पर नहीं बनाए जा सकते। अब बच्चों चौथा, 8 डिग्री 4 मिनट 65 सेकेंड शुमाली तूलुल बलद है। तो बच्चों ये हमारा जुमला गलत क्यों होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ देखिए तूलुल बलद तो शुमाल से जुनूब की जानिब या मतलब शुमाल और जुनूब को मिलाने वाले ही खतूत होते हैं, तो बच्चों इसमें 8 दर्जे 2 45 दर्जे 3 दर्जे 4 दर्जे ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये शुमाल से जुनूब की जानिब नहीं बढ़ते, ये खतूत मगरिब से मशरिक या मशरिक से मगरिब की जानिब आगे बढ़ते हैं। इसका बुनियादी तूलुल बलद बीच में होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये खतूत यहाँ से इस तरफ बढ़ेंगे, इनकी पैमाइश मतलब अगर 8 डिग्री 45 डिग्री ऐसी हमको करनी है तो हम मगरिब से मशरिक की जानिब या मशरिक से मगरिब की जानिब करेंगे। लेकिन शुमाली तूलुल बलद है क्योंकि 8 डिग्री, देखो बच्चों बुनियादी दर्जे का खतूत खत यहाँ पे होता है, ये सिफर दर्जे का बुनियादी होता है। अब अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो 8 डिग्री तो एकदम मशरिक की तरफ हो जाएगा और ये मशरिकी तूलुल बलद कहलाएगा, तो यहाँ पे शुमाली तूलुल बलद का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए 8 डिग्री 4 मिनट 65 सेकेंड शुमाली तूलुल बलद नहीं है, ये जुमला हमारा गलत है। अब बच्चों आखिरी, तूलुल बलद एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं। बच्चों ये जुमला भी गलत है। तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि तूलुल बलद और जुनूबी कुतुब और शुमाली कुतुब पर जाकर एक जगह जमा हो जाते हैं, इसलिए ये एक दूसरे के मुतवाजी नहीं हो सकते। तो बच्चों आज हमने पहले सबक की मश्क का सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 कर लिया है, अगले लेक्चर में हम आगे के सवाल का मुशाहिदा करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, शुक्रिया। आपको ये 2 सवाल मुझे अपनी बुक में लिखकर बताने हैं और याद करके अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। शुक्रिया।